करूंगा तो मैं 5 साल के बाद आपके पास वोट पूछने नहीं आऊंगा, मैं अगर बिहार मानूंगा। जय हिंद। अल्लाह जो जीती चुनाव उसके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो का मतलब चुनाव से पहले एक पार्टी कुछ वादे करती है आवाम के सामने, और उसके बाद अगर से वो वादे मुकम्मल नहीं होते तो वो चुनाव हार जाती। मगर आज जो भी पार्टी एमआईएम पार्टी आपके सामने है उसके पास मैनिफेस्टो नहीं है। मैं जो पार्टी से आ रहा हूं आज आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताऊंगा, खुद का जाति मैनिफेस्टो, तरक्की आपका डेवलपमेंट मैं भी आपको बताऊंगा। मेरा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है हमारी पार्टी का, 1 लाख गवर्नमेंट की नौकरियां खाली है, हम 1 लाख नौकरियां हमारे यूथ को दिलाएंगे। जो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन ये तमाम लड़के जो भी करके आज बेरोजगार है, ऐसे बेरोजगार 10 लाख बच्चों को जब तक नौकरी दिए 3,000 रुपए देंगे हर महीना 3,000 रुपए। आप राशन की दुकान में जा रहे तो खाली आपको चावल और घेहूं मिल रहा। कांग्रेस की हुकूमत ये जाके आप हमारे आपको शक्कर मीठा तेल तुवर की दाल नमक इमली हल्दी मिर्ची का पाउडर और साथ साथ हम साबुन भी देंगे। जिसके पास कुछ हुनर है और वो तिजारत करना चाहते, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम उसको 2 लाख से 6 लाख तक उधार देंगे, लोन देंगे। हम सबसे पहले मैं उस्मान हाजरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस से कारवां टिकट उस्मान साहब को डिक्लेयर हो चुकी है। यहाँ का अगर आपका रहेगा मैं हाथ पकड़ के आपके सामने लाऊंगा इंशाल्लाह ताला आपके दामन। ये हाल स्पोर्ट्स में देखेंगे, एक ग्राउंड नहीं है। और मैं देख रहा हूं नामपली में जब मैं फिर के, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी गरीबी, और यहाँ पे रउडिज्म है, यहाँ पे बच्चे ड्रग्स ले रहे, गांजा अफीम वाइटल ये तमाम देखे आने वाली नस्ल खराब हो रही। रत्ती बराबर भी डेवलपमेंट नहीं है आपके पास, कई औरत खवाती में डूबोले हमारे से साइना लिए डबल बेडरूम दिलाते बोल के। मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी को लोन मिला? एक तो भी हॉस्पिटल सीधा है, एक तो भी स्कूल सीधा है। रिश्वत सामने वाली जमा कास्ट सर्टिफिकेट है तो एमआर ऑफिस रिश्वत, पुलिस स्टेशन रिश्वत, घर बनाना एक सजा है। बाउंड्री दरी जब से गेट से लेके छत तक रिश्वत, मकबरी लोगों को डराना, नाजायज पैसे खाना, एक को मदद नहीं करना, ये है हाल लापली का। मैं ये हाल जानता हूं, मुकम्मल नहीं हुई, उसके लिए पूरे स्टेट में कांग्रेस हुकूमत आने वाली है। कांग्रेस हुकूमत आने वाली है और अल्लाह और रसूल के सदके में मेरे माँ बाप के दुआओं से, आपके दुआओं में मैं आपका एमएलए बन जाऊंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा फंड लाके आपके नामपल्ली साबे नगर अली नगर दुरागर डेवलप। आप याद रखिए भाइयों, आपका एरिया डेवलप करना है तो पैसा होना। आपके बीच में 2009 में आया, 2014 में आया, 2009 में आप का ताउन था 5,000 वोटों से हारा में, 2014 में 50,000 वोट आए और आज फिर 2018 आपके सामने आ चुका हूं। थी ना मेरा एक ऑपरेटर था, मगर मैं मेरे घर के पास से
मेरे ऑफिस पे जब भी कोई आया, मैं आज तक अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मेरे वालदा और मेरे वालद की कसम खा के बोलो, मैं एक को भी ऐसा खाली हाथ जाने नहीं दिया। बोले मेरे को नामपल्ली छोड़ दो साहब, नामपल्ली के लोग आपको धोखा दे दिए। तो मैं बोलता ना, अगर से नामपल्ली मेरे साथ ना और 50,000 नोट कहां से आते, नामपल्ली को कभी भी मेरा ख्याल माना। और जिंदगी जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी और खून का आखिरी टिपका रहेगा, नारा है डेवलपमेंट। मैं कोई भी सामने वाली जमात को कुछ बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा, इसमें आपका तो फायदा नहीं होगा, सिर्फ कानों को अच्छा दिखेगा। मर खाल से जो मुफलिसी जो गरीबी वो नहीं निकल पाएंगी। मैं मुद्दों पे आता हूं आपके पास। आज जब मैं 2-4 दिन से आपके पास पैदल दौरा कर रहा हूं, तो हर एक छोटा से छोटा प्रॉब्लम है आपके पास। आपके रोडों की हालत देखिए, ड्रेनेज की हालत देखिए। कई लोग मुझे ये बात बोल रहे, ये पानी भरते रहता साल के 65 दिन, 365 दिन, हम नमाज किस तरह से पढ़ेंगे? यहाँ पे बच्चे ये पानी में खेलते। मेरी नामपल्ली का सवाल है, सारे मुंगेर की प्लानिंग करने वाले कौन थे? तुम बोले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सब सब को तन से जुदा कर दिए, मेजे पे लेके नाचे शादलिंग। आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आए थे उनके लिए तारीफ बताइए। हजरत उस्मान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 40 दिन तक भूखा रखा, उन्होंने आजाद किया। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हालत नमाज में शहीद कर दिए। ये बीपाशा को इन्हें मोहम्मद तलाम से लड़ने नहीं गया, पुजारी नहीं गया, वहां जाके मारे तो इसको गाड़ी में जीप में दाबे थे, कहते इन्हें होश में था, और इसको बोले कहते सफेद पोश नूरानी चेहरा मक्का मस्जिद के मिंबर के दामन में खड़े रहकर मैं ऐलान कर रहा हूँ, जब मुझे मारा जा रहा था, जीप में दाबा जा रहा था, वल्लाह में होश में था, और एक सफेद पोश नूरानी चेहरा आपके सर पे हाथ रखा आएगा। तो इन लोग मुझे कौन है आप? तो बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गुस्ताख है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बताइए मुसलमानों, क्या जब हमको खबर में उतारा जाएगा, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, बता तेरा नबी कौन है?